वेलकम टू अक्रम डेरी फार्म चैनल। हमें यहाँ डबिलपुरे पे आरिफ भाई के पास, और यहाँ पर फिर से एक न्यू कलेक्शन आया हुआ है हॉर्सेस का। इसमें बिल्कुल छोटे शॉर्ट साइज़ से लेके बड़ी हाइट तक, यानी थोरोब्रिड की जो हाइट होती नॉर्मली उस हाइट तक भी यहाँ पर एक मेयर है। सारी डिटेल यहाँ के ओनर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। फिर से आरिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई, आपके पास अभी चार है यहाँ पर घोड़े, जिसमें घोड़ियाँ कितने हैं? घोड़े पूरे घोड़े हैं हमारे, पूरे घोड़ियाँ हैं। और जो पोनी है सामने, वो भी घोड़ी है हमारे, वो भी घोड़ी है। क्या बात है, चार दांत तो हमारे पोनी है। अच्छा, तो इसी की डिटेल बताइए। आप पीछे आ बैठे, उसके ठहरो इधर ही, तरफ से आप पीछे जाने का। बिल्कुल बॉन्ड कंडीशन में देखिए, शॉर्ट हाइट रहने के बावजूद भी एकदम टाइट है। क्या एज है इसकी? चार साल। और चार दांत पे है, 38 इंचेस घोड़ी है। चार दांत पे और सिर्फ 38 इंचेस इसकी हाइट है। और अभी खाली है? हाँ खाली है। राइडिंग वगैरह सब चालू? राइडिंग की पूरी एकदम चालू है। बड़े भी बैठ के चला सकते हो? तो कोई बड़े को बिठा के राइडिंग कराइए फिर, छोटे राइडिंग करो। सारे घोड़ों की डिटेल बतलाऊंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए, आप अच्छी तैयार है राइडिंग के लिए। और स्पेशली जो मेयर्स रहते ये मारते नहीं। कुल्ला बता, कुल्ला बता। देखिए आप, राइडिंग की तैयार है ये, और चाल में भी अच्छी है, पैर वगैरह साफ है इसके। अरे भाई, क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आस्किंग? इसका 20,000 प्राइस है हमारे। 20,000 इसका आस्किंग प्राइस है? कम हो जाएगा? थोड़ा बहुत कम कर लेंगे हमारे। नॉर्मली टट्टू घोड़े जो आते हैं बहुत कम प्राइसेस में रहते हैं, इसकी क्या खास वजह है जो ये प्राइस में है? ये पोनी है हमारे भाई, 38 इंचेस है जमीन से। पोनी है, हाइट में बहुत कम है ना, यानी बहुत रेयरली इतनी हाइट मिलती है जी। और कंडीशन भी बॉन्ड है बिल्कुल। अभी खाली है बोले? अभी अभी खाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसका रेट कुछ कम भी हो जाएगा? नेगोशिएबल रहेगा? नेगोशिएबल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट में आरिफ भाई, ये एक है आपके पास, ये भी मेयर है ना? कौन सी ब्रीड में है? मारवाड़ में है। चारों पैर देखिए एकदम साफ है इसके। ये भी राइडिंग की रेडी है? जो राइडिंग की रेडी है। क्या उम्र है इसकी भी? ये 5 साल की रहती है। 5 साल? 5 साल? 4 से 5 साल है। क्या हाइट है इसके भी? हाइट 59 हाफ, यानी नियरली 60 इसकी हाइट है। ओके, और शादी बारात नाश काम के लिए तैयार है? शादी बारात नाश काम के भी तैयार है। लेंथ में भी बहुत लंबी है देखिए। और बच्चे दी हुई है घोड़ी इससे पहले? अच्छा, आइडिया नहीं है, आप रिसेंटली लाए हुए। क्या प्राइस रखने वाले आप इसका आस्किंग? 75,000 इसका आस्किंग प्राइस है जी। और ये भी नेगोशिएबल है? ठीक है, राइडिंग सभी घोड़ों की बतलाऊंगा मैं आप लोगों को लास्ट में। सबसे पहले दूसरे जो घोड़े हैं उन लोगों की भी डिटेल देख लेंगे यहाँ। नेक्स्ट में ये है आपके पास, ये कौन सी है? ये चंपी भी बोलते हैं, लाल पंचकल्याण भी बोलते हैं। लाल पंचकल्याण भी बोलेंगे और चंपी भी बोलेंगे। कम है लेकिन फिर भी चंपी में आ जाएंगे। और सॉक्स बिल्कुल साफ है देखिए इसके। क्या हाइट है इसकी? 60 रहती है हमारे। 60-60 इंच जी। और क्या उम्र है इसके भी? ये भी 4 साल के ऊपर रहती है। ये भी 4 साल के ऊपर है। छेदात लगा दी, समझो 6 साल पकड़ लेगी। अच्छा, और ये भी खाली है? ये भी खाली है। ठीक है, राइडिंग वगैरह सब इसके भी चालू? पूरे चालू होती है। ये वाली जो घोड़ी थी आपकी, ये नाश काम शादी बारात की भी तैयार है? ये भी नाश काम तो नहीं है, शादी बारात की भी चालू रहती है। अच्छा, शादी बारात की ये वाली चालू है लेकिन नाश काम है, कोई भी चला सकते, छोटा बच्चा बैठ कर राइडिंग कर ले सकते। अच्छा, चलिए इसकी भी डिटेल देखेंगे। क्या प्राइस है इसका? 75,000 इसका भी आस्किंग प्राइस है। और ये भी नेगोशिएबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद में थोरोब्रिड की वैसी हाइट है, बहुत हाइट लेंथ, यानी हर चीज़ में एक नंबर है घोड़ी है। और आरिफ भाई, क्या हाइट है इसकी? उम्र 65 इंचेस हाइट है। 65 इंचेस, माशाल्लाह। कौन सी ब्रीड में है? मारवाड़ में है। देखिए कान की क्वालिटी बिल्कुल जैसा मिलाना चाहिए। संजाब है ना ये? तो संजाब भी बोलते हैं, बाद देने कबूतरी भी बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। अच्छा, सब अलग अलग नाम देते हैं। नॉर्मली संजाब में आएंगे। और क्या एज है बोले थे आप इसकी? 5 साल उम्र है। 5 साल एज है इसकी। और एक ये बच्चा डाली भी है। अच्छा। क्यों बोलते हैं इसके थन बड़े बड़े थन है देखिए आप जी। ऑलरेडी दी हुई है, यानी ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी लोग ले सकते हैं। और ऐसे घोड़ियाँ बच्चे अच्छे भी बनाते हैं ना, यानी हाइट लेंथ अच्छी है इसकी। जो घोड़ा लगाएंगे वैसे, जो कलर का घोड़ा लगाएंगे इसको, वो कलर का घोड़ी बनाएंगे। यानी देवमन भी है इसके अंदर, बालभोरी भी साफ। बालभोरी की एक नंबर क्लियर है जी। ये भी बालभोरी की क्लियर है, वो भी बालभोरी की क्लियर है। और ये राइडिंग वगैरह सब चालू है इसका? अच्छा, इसके अंदर देवमन है, इसको भी देवमन है, खुला देवमन है, मगर बालभोरी की क्लियर है घोड़ी। ठीक है, क्या प्राइस रखने वाले आप इसका? आस्किंग प्राइस तो 2 लाख रुपए उम्र भाई। 2 लाख आस्किंग प्राइस है। कम हो जाएंगे ये? इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कम कर लेंगे जी। 65 हाइट बहुत ज़्यादा है देखिए, जैसे 60 के प्लस में हाइट होते रहती वैसे रेट भी बढ़ता रहता बहुत।
और ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी ले सकते हैं आप लोग, यानी बच्चे वगैरह बनाने के लिए भी घोड़ी अच्छी है। सभी की राइडिंग बतलाई एक एक करके, देखिए अब राइडिंग की चालू घोड़ी है और छोटे बच्चे भी जैसे चला सकते बोल के बतलाए थे भाई। बिल्कुल खुले पैर और लुकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, नेक का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। चाल भी चालू है आरिफ इसमें, चाल की चालू है ठीक। टेल वगैरह दुम जो होती है वो भी साफ है दिखे एकदम। चलिए नेक्स्ट में दूसरी वाली इसको भी देख लेंगे। देखिए बहुत साफ और अच्छी घोड़ी है, यानी चलने करने में ये भी, इसके भी हाथ पैर साफ है एकदम और खुला भी छोड़ दिए देखिए इसको भी। ये देखिए आप 40 की बहुत खूबसूरत, क्या बात। और ये जो बड़ी वाली घोड़ी थी जो थोरोब्रेड की हाइट में है, इसकी भी राइडिंग देखिए आप एकदम साफ है। और ये वाले पहले जैसे देखे थे, ये भी एक है। नाल वगैरह सब मारे भी है ना, और इस घोड़ी में नाच काम नहीं है ना, ये घोड़ी में भी नाच काम है हमारे, इसमें भी है हाँ। अच्छा, और नाच काम में यानी आप इस्तेमाल नहीं करते इसीलिए नाच काम बतला रहे नहीं, वरना नाच काम की भी चालू है हमारे भाई। अच्छा, शादी बारात की भी, यानी दूल्हा बहुत ऊपर पहुंच जाने वाला है हाइट पे बैठ के। अपन जिस कन से लिए वो शादी बारात के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और बच्चा दी हुई है ऑलरेडी, यानी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ले सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी चीज़ है, देवमन है खुला इसके अंदर। अजान भी हो रही तो इसीलिए क्लोज करूंगा मैं, इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस देखते रहेंगे। और एक है अच्छा, इसकी राइडिंग हाँ देख लिया ना राइट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।